हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैं एक नए तरीके की नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। और कौन चीज़ की बनाऊँगी तो बने रहिए मेरे खान किचन ब्लॉग में। तो नए तरीके की नई रेसिपी बनाने के लिए हमने ली है ये बची हुई मिठाई जो हमारे मेहमान लाए थे, तो कुछ खाई गई है कुछ बच गई है, तो इसकी हम बनाएंगे बहुत लाजवाब गुजियाँ। तो शुरू करते हैं बनाना गुजियाँ। तो एक बाउल में हमने लिया है मैदा, कम से कम वजन में 200 ग्राम है, तो हम गुजियों के लिए इसको गूंदेंगे। तो गुजियों के मैदे में अब जाएगा 2 चम्मच देसी घी मोइन के लिए। तो मैदा और घी एक ही में हम मिलाएंगे। तो घी और मैदे को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, तो इसको अब हम गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लाजवाब हमारे गुजियों का आटा या मैदा गूंदा है। ये देखिए, ना सख्त है ना ज़्यादा मुलायम है, बिल्कुल मीडियम में है। तो हमारे गूंदे हुए मैदे को हमने एक मिक्सी बाउल में रख दिया है। अब इसको ढककर हम 15 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बीच हम करेंगे गुजियों की मिश्रण की तैयारी। तो मैं आ चुकी हूँ गैस के पास। गैस जलाकर कढ़ाई को रख दिया हमने गैस के ऊपर। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो घी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल रहे हैं आधी कटोरी बादाम कटे हुए। अब डाल रही हूँ काजू आधी कटोरी से कम। अब डाल रही हूँ किशमिश आधी कटोरी। चौथाई कटोरी हम चिरौंजी डाल रहे हैं। 1 कटोरी कद्दूकस करी हुई गरी डाल रहे हैं। अब हम धीमी आंच में सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। अब हम थाली में निकाले ले रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट निकालने के बाद में 1 चम्मच घी हम फिर से डाल रहे हैं। तो 1 कटोरी हमने सूजी ली है, तो इसको भी हमें भूनना है या रोस्ट करना है कम से कम 2 मिनट से ज़्यादा। तो 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो चुका है। तो बस अब सूजी को हम निकाले ले रहे हैं। जिस थाली में हमने ड्राई फ्रूट निकाले थे उसी थाली में हम सूजी को भी निकाले ले रहे हैं इस तरह से। ड्राई फ्रूट सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो इसमें अब हम डालेंगे फोड़ फोड़ के मिठाई। चीनी की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से सारी मिठाइयों को हम फोड़ ले रहे हैं। मिठाई को फोड़ कर हमने थाली में डाल दिया है, तो इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। अब सारी चीज़ों को एक ही में मिक्स करेंगे। तो गुजियों का मिश्रण बिल्कुल तैयार हो चुका है गुजियाँ भरने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मावा की तरह हमने बनाया है। तो चलते हैं बस बनाने की तैयारी करते हैं गुजियों की। तो 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, ये देखिए गुजियों का मैदा कितना बढ़िया हो चुका है। तो बस चलते हैं गुजियों की बनाने की तैयारी। तो हमने ले लिया है चौकी बेलन, सूखा मैदा, तो दोनों चीज़ें हमने रख ली हैं। तो लोई को उठा लिया है। अब इस तरह से हम लंबा लंबा करके लोइयों को कट करेंगे। तो हमारे ये 5 पीस बन चुके हैं। तो एक लोई ली है, तो उसको भी हम लंबा लंबा करके छुरी के सहारे से बहुत आसानी से हो जाती है लोई काटने के लिए। तो बस अब छोटी छोटी हम पूड़ियाँ ऐसी बनाएंगे। तो सारी लोइयों को करते हैं अब साइड में। तो एक लोई ली है हमने और इसको हम बेलेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी पूड़ियाँ गुजियों के लिए बन रही हैं। हमारी पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैंने ले लिया है गुजियों वाला सांचा, तो इसको इस तरह से हम अब इसमें भरेंगे गुजियों का मिश्रण जो हमने बना के तैयार किया था। कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसको इस तरह से पलट दिया हमने और दबा कर ऊपर वाला ये आटा हमने निकाल लिया है, ये दबा दिया। और मैंने घोल अभी नहीं लगाया, मैंने चेक किया है कि घोल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तो हमें अभी नहीं ज़रूरत पड़ रही। देखिए माशाल्लाह कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई। तो पहले की तरह हमने पूड़ी फिर से बेल ली है और गुजियों का ये मिश्रण फिर से हमने रख दिया। अब की बार हम कोई भी सांचा यूज नहीं कर रहे हैं। तो बस पूड़ी को इस तरह से हमें मोड़ना है, उंगली के सहारे से इस तरह से हमें दबाना है और फिर कांटे वाली चम्मच से ऐसे डिजाइन करना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन बन। तो ये देखिए कांटे वाली चम्मच से हमने कितनी बेहतरीन गुजिया बनाकर तैयार की है। तो आप लोगों को हमने 2 तरह की गुजिया बनाकर दिखा दी है, अब 3री तरह की हम दिखा रहे हैं। तो पहले की तरह से हमने मिश्रण को फिर रख दिया है और पूड़ी को इस तरह से मोड़ लिया है
और फिर से उंगली के सारे हमने दबा लिया है और गुजियों को इस तरह से उठाकर यूँ मोड़ लिया है। जैसे ये हाथ के सारे से हमने बनाई, ना कांटे वाली चम्मच है ना सांचा। ये देखिए कितनी खूबसूरत गुजिया बनकर तैयार हो गई है। सारी गुजियाँ हमारी बन चुकी हैं, तो अब चलते हैं गैस के पास फ्राई करने के लिए। तो इसमें हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल, तो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, तो एक एक करके सारी गुजियों को हम रिफाइंड ऑयल में डाले दे रहे हैं। तो धीमी आंच में हमको फ्राई करना है। गुजियों को ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो हमारी इसी तरह से सारी गुजियाँ हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो सारी गुजियों को हम कढ़ाई से अब निकाल ले रहे हैं। तो आपको एक हम गुजिया तोड़ के दिखाते हैं किस तरह से गुजिया भरी हुई बनी है। ये देखिए कितनी लाजवाब, खाने में बहुत टेस्टी बनी है। तो आप लोग इस तरह से गुजिया बची हुई मिठाई की ज़रूर बनाना। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। तो आप लोगों ने देखी थी बची हुई मिठाई से मैंने किस तरह से गुजिया बनाई है। तो आप लोगों के घर में भी अगर मिठाई बच जाए तो इसी तरह से आप लोग भी गुजिया बना सकते हैं। तो अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।